हाँ, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आज रफीक है एंड यस, रेड एफएम के ऑफिस में है। स्टूडियो से हम लोग अभी निकले हैं, लेकिन ऑफिस के स्पेस में शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तमाम लोगों को कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली उस्मा शफी, और वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों को पता होगा कि इनकी अपनी यूट्यूब चैनल पर एक सॉन्ग रिलीज हो गया, आनंद शम, एंड यस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का रिस्पांस, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बड़ा प्यार मिल रहा है। अभी मौका सही है यार, ऑफिस के इस प्रीमिसेस में अगर आप थोड़ा सा गाएंगे सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हन हन छम लोल चाने बरी ज्वल छम नो सौंदरे सुंदरे मोए मोए छम लोल चाने बरी ज्वल छम नो सौंदरे सुंदरे तीर मिद गांधित नमदारित गोम जिग रस पार पार करीत तीर मिद गांधित नमदारित गोम जिग रस पार पार करीत चकला छसई कोत है कई वतीत ज्वल छम नो सौंदरे सुंदरे ज्वल छम नो सौंदरे सुंदरे। वाह, मतलब यार गूज़बम्प्स, क्या 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 आवाज है, कितनी खूबसूरत आवाज है यार। मतलब बहुत शुक्रिया। आप कुलगाम से हैं? जी बिल्कुल। खूबसूरत आवाज के अलावा और क्या क्या हुआ है? और इसके अलावा बस मेरी स्टडी चल रही है। अच्छा अच्छा, सो कूल। और आप श्रीनगर आते हो हर बार रिकॉर्ड करने के लिए? बिल्कुल। या लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जितने सारे लोग देख रहे हैं, तो इस सारे खतरे से वारे ज़रूरी कि उज़्मा जब यूट्यूब की स्पेस में आई, इनकी चैनल पे सिर्फ 700 सब्सक्राइबर्स थे। बिल्कुल। इन्होंने रिस्क ली, मतलब कि सही मौक चुके ये सॉन्ग्स करूँ रिलीज अपनी चैनल पर जिसपे सिर्फ 700 सब्सक्राइबर्स हैं। आज की तारीख में 1 मिलियन प्लस व्यूज उस गाने पर एंड 35,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं, चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, ठीक ठाक मोस्टली चुका हुआ। मगर अब आप हमारे दोस्तों को बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये रिस्क लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया तब खाली 700 सब्सक्राइबर्स थे, और मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहा है ये, क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रॉस कर पाएगा 1 लाख, वो भी 2-3-4 मंथ्स में। लेकिन विद इन 1 मंथ मैंने ये 7 लाख क्रॉस किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। और फिर तभी से मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैंने नहीं रुकना है, अब भी मैंने बिल्कुल, क्योंकि लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि जब लोगों ने प्यार दिया तभी मैं जाकर अभी इतना आगे आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह अभी मैंने अब रुकना नहीं है। क्या बात। सो कितने टाइम के बाद आप एक एक गाना या जो वीडियो रिलीज? मैं दो महीने देती हूँ एक सॉन्ग को। बिल्कुल। ऑलराइट, सो ये रीच है और आप इनकी चैनल अभी बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रही है, यानी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, और अब रेड एफएम पर ये वीडियो आ रहा है, रेड एफएम में आपका ये इंटरव्यू हुआ, तो दिस वाज एन एक्सक्लूसिव रेडियो एफएम रेडियो इंटरव्यू। सो कैसा लगा आपको, हाउ वाज द वाइब एट रेड एफएम? बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहना चाहते हैं कुछ और कमाल की चीजों के लिए? यस, सो यही प्लेस है, दिस इज द प्लेस, 93.5 रेड एफएम, स्टे होप, बजाते रहो, 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।